N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा तीन प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीन जगह का जो रिजल्ट आए हैं उससे एक बात की पुष्टि हो गई है कि एक बदलाव की लहर चल रही है। लेकिन उस बदलाव के लहर में जो अपना सीट बचा पा रहे हैं बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि 80% पुराने कैंडिडेट बदले जा रहे हैं और 20% जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो दोबारा चुनाव जीत के आ रहे हैं। हालांकि जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं, जनता पे अच्छा पकड़ है, जनता उनको मौका दे रही है, दोबारा चुनाव जिता भी रही है। तो अभी मौजूद हैं हम आंध्र प्रखंड में और आंध्र प्रखंड में भी चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है और यहाँ भी 24 अक्टूबर के दिन वोटिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ भी एक बदलाव की लहर चल रही है। उस बदलाव के लहर में खासकर अभी मौजूद हम खेड़ाई पंचायत में, लेकिन खेड़ाई पंचायत का इतिहास कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे विकास हुआ है और विकास के नाम पे जनता पुराने जो यहाँ के मुखिया रहे उद्धव यादव जी उनके साथ ज़्यादातर दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता का साफ कहना है कि हम विकास के मुद्दा पे वोट डालेंगे, ना कि किसी व्यक्ति के मुद्दा पे वोट डालेंगे, ना कि लालच में आके वोट डालेंगे। तो आइए, कुछ लोग मौजूद हैं, एक बाजार पे हम मौजूद हैं, जो खेड़ाए गांव में एक बाजार पड़ता है नहर के साइड में, उसी गांव में हम मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो कई दिनों से राजनीति को देख रहे हैं और राजनीति अनुभव भी इन लोगों के पास है। तो इन लोगों से जानते हैं कि क्या इनके पंचायत में बदलाव होने वाला है, कि ये जो पहले से मुखिया थे वही आएंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है चाचा आपका? खड़ा हो जाइए, खड़ा। तो 24 अक्टूबर के हुआ पंचायत में वोटिंग होके वाला बा जी, बहुत जगह चुनाव हो गई, देखल गई के बदलाव बहुत जगह हो जाता, लेकिन जे जौन भी प्रत्याशी काम कैले बा अपना क्षेत्र में 5 साल तक, जनता दोबारा ओकरा के मौका दे दिया, तो का लागत हुआ पंचायत में विकास भइल बा? बहुत विकास भइल बा। तो विकास भइल बा तो हुआ बदलाव करे के चाहत नहीं कि फिर वही आदमी के जिताबे के चाहत? फिर उद्धव यादव मुखिया रहेंगे। फिर से उद्धव के लाए? कहाँ है उद्धव के लाए? दो यादव मुखिया हमारे यहाँ रहेंगे, जैसे कि बहुत विकास के काम किए हैं, जनता में हैं, जनता में रहते हैं। तो सरकार जो भी योजना रउआ लोग खातिर बनैलस, और योजना के लाभ उद्धव जी दीवानी रउआ सब बहुत लाभ मिलल बा हमारा यहाँ। तो बहुत तरह के लोग बा जौन प्रत्याशी लोग चुनाव लड़त है, वो लोग कहता कि विकास नहीं है भैया 5 साल में, वो लोग के खातिर क्या कहे के चाहत? विपक्षी लोग तो बहुत कुछ बात करेला, विपक्ष ये सब बोल के तो वोट लेवेला। हाँ, झूठ सच बोली कि हम हई करें, हम हऊ करें, तो जीती तब न करी। तो आइए, एक चाचा मौजूद है जो राजनीति अनुभव बहुत ज़्यादा रखते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके नज़र में मुखिया का कार्यकाल कौन सा कार्यकाल बेस्ट है। उद्धव जी भी मुखिया 5 साल तक रह चुके हैं, उसके पहले लोग भी मुखिया रहे हैं, उनका भी कार्यकाल ये चाचा देखे होंगे, सरपंच भी हैं इस पंचायत के ये शायद, तो ये दोनों के कार्यकाल को देखे हैं, तो इनके नज़र में कौन बेस्ट होते हैं? तो सबसे पहले स्वागत है सरपंच जी हमारे चैनल पर आपका। आपका चैनल का भी स्वागत है हमारे तरफ से और हमारे खेड़ाई पंचायत की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 24 अक्टूबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग होने वाला है और आप सरपंच हैं, 5 साल तक आपका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, 10 साल तक, 10 साल लगातार, और एक बदलाव की लहर तमाम पंचायतों में चल रही है, लेकिन इस पंचायत में कुछ अलग खबर हमको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जनता विकास पे वोट करने जा रही है और विकास पे जब जनता वोट करेगी तो विकास उसको हुआ है। तो क्या लग रहा है कि जनता बिना लोभ लालच में आए हुए एक विकास करने वाले व्यक्ति को 24 तारीख को बहुमूल्य वोट देगी? जरूर देगी। जनता तो अपना काम देखती है कि प्रतिनिधि हमारा काम करता है कि नहीं करता है, जनता ये देखती है कि जो मुखिया का और पंचायत प्रतिनिधि का जो विकास का काम आता है वो हमारे धरती पर उतरता है कि नहीं उतरता है, तो वो उद्धव यादव ने उतार करके इस पंचायत में दिखाया है, इसलिए पूरा जनता खुश है और जनता एकजुट होकर के उद्धव यादव को फिर जिता रही है। तो आपका भी तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, आपका भी तो विकास के मुद्दा पर ही जनता वोट डालेगी, तो आपको क्या लगता है कि जो भी लोभ लालच देने वाले लोग हैं जनता उधर जाएगी, या 5 साल में जो जनता को आप लोग दिए हैं अपने कर्म के बल पे, सरकार की योजनाओं के बल पे, कि जनता उधर जाएगी? जी नहीं, जनता आप घूमे हैं पूरे पंचायत में, आपको जानकारी हो गया होगा कि एक ही नारा लोगों को सरपंच के प्रति हमारा ही है, ये स्टोप छाप हमारा है और पूरा जनता कह रही है कि ऐसा सरपंच कभी हम लोगों को मिला नहीं है, 10 साल रखे हैं, हमको पहचान है, जो लोग जनता जानती है, फिर रखने जा रही है, वोट देने जा रही है जनता, यानी स्पष्ट हो चुका है, स्पष्ट है। तो आइए, एक चाचा और मौजूद है, इनसे जानते हैं, क्या नाम है चाचा आपका? जयराम यादव। जयराम यादव, तो क्या यादव जी, लग रहा है कि 24 तारीख को जो वोटिंग हो गई जनता विकास का मुद्दा पर वोट डालेगा? एकदम डालेगी। तो विकास के मुद्दे पर जब जनता वोट डालेगी तो बदलाव चाहेगी कि जो पहले उन्हीं को लाएगी? उन्हीं को लाएगी, तो विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है।
सरकार जो भी योजना बनाई जनता सब, के लिए जनता तक पहुंचा, सब कुछ मिला, सब कुछ जनता तक पहुंचा। राजेंद्र मांझी तो चाचा 24 तारीख के वोट करे जाए के बारे में क्या चाहता नहीं मुखिया जी के बदल दिया जाए तो नहीं दिया जाओ। हम पुराने मुखिया जी को चाहते हैं जो 15 साल में मुखिया जो थे वो कुछ भी नहीं करके दिखाए, वो मुखिया हमारा 5 साल के अंदर में करके दिखा दिए है ना। तो बदलाव नहीं चाहते हैं आप? नहीं, बदलाव हम चाहते हैं जो हमारा मुखिया 5 साल के अंदर में सब कुछ करके दिखा दिए, जो विकास जो 15 साल में नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर में कर दे, जिसमें कोरोना भी लागू था। तो क्या चाहते हैं, ये मुखिया बने रहेंगे दूसरा कोई बने? यही मुखिया रहेंगे और यही सरपंच रहेंगे। कहाँ घर हुआ? यही तो क्या लग रहा है कि पंचायत में बदलाव जरूरी है कि जो पहले मुखिया थे उसी को लाया जाए? नहीं नहीं, बदलाव की जरूरत नहीं है, विकास की जरूरत है। विकास हो रहा है तो क्यों बदलाव चाहेंगे? जनता को विकास ही तो चाहिए जी। विकास हो रहा है तो बदलाव क्यों चाहेंगे? बदलाव के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ होता है कि जब 2 दिन बचता है ना चुनाव, तो जनता विकास के मुद्दा को भूल जाती है और लोभ लालच में आकर गलत कैंडिडेट को वोट कर देती है। उसके लिए क्या अपील करना है जनता? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी बहकावे में चाहे लोभ में जनता वोट दूसरे को कर देती है, बाद में 5 साल पछताना पड़ता है। विकास को ध्यान में रखें और जनता फिर एक बारी उधो जादव को मौका दोबारा दे और सब जनता साथ है। सब कोई साथ है जी। क्या नाम हो? रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी, तो चाचा 24 तारीख के वोट करे जाए के बाद 5 साल के बाद मौका मिलल बा वोट करे के, एक दिन रउआ लोग के 5 साल नेता लोग के, एक दिन में जन वोट कर जाए वोट माने हो 5 साल तक, तो वोट करे जाए ना 24 तारीख के? जरूर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो चाचा रउआ लोग के का चाहिए विकास रुआ पंचायत में भइल बा? हमारा पंचायत में तो विकास बहुत बढ़िया भइल बा। तो क्या चाहते हैं जो विकास कैले बा के फिर जितावल जाओ के बदल के दूसरा के लियावल जाओ? ये तो बोलने नहीं सकता है, ये तो हम बोलने नहीं सकता, ये मत है जिसको आपका मत है। लेकिन विकास हुआ है? हुआ है। और लोकतंत्र में जनता को क्या चाहिए बाबा? अभी ये हम क्या बोलेंगे, लोग के घर बन जाओ या कि ये हो जाओ, हम क्या बोलेंगे? विकास है ना चाहिए जनता को, वही तो जो 5 साल में हुआ है। कहाँ घर भाई? घर हमारा सिवान पड़ता है। सिवान वोट देते हैं यहाँ? तो चचा रुआ पंचायत में जन काम होल बा 5 साल में, खुश बा नहीं? 5 साल के अंदर में कौन सा काम हुआ है? काम इतना ही हुआ है कि रोड सिर्फ बना हुआ है। रोड बना, इसके अंदर तो कोई विकास नहीं हुआ है। रोड बना है? रोड बना है। गंदा नाला का कोई अधिकार नहीं हुआ। अरे दू चूड़ी घस कर लो। ठीक है ठीक। मेरा नाम मनोज कुमार पाठक है, इसी पंचायत में हूँ, झोजीपुर में मेरा घर है। तो 24 तारीख को वोट करने जाना है, 5 साल के बाद एक महा त्यौहार आया हुआ है, इसमें बढ़ चढ़ के जनता भी शामिल होगी। तो क्या लग रहा है कि 5 साल पहले जिस व्यक्ति को आप लोग अपना बहुमूल्य कीमती वोट दिए थे, ये तो जनता निर्णय कर चुकी है कि किसको जिताएगी और किसको हराएगी। जनता अब उतना बुर्बक नहीं रह गई है। अब रह गया बात कि मीडिया के सामने कोई बात गलत फलत किसी प्रत्याशी के विषय में, किसी मुखिया के विषय में आम आदमी तो नहीं बोलेगा। मान लीजिए कि बोलेगा और उसको खराब लगेगा तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो सकता है। इसलिए 24 तारीख को जनता खुद बता देगी कि कौन मुखिया के योग्य है और कौन नहीं है और किसको रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। सही बात, ये हमारा पर्सनल अपना मैटर नहीं है। सही बात है, पंचायती राज चुनाव में सब चीज पर्दा में ही होता है। हमारे ऐसा इनका भी कहना सही है कि पंचायती राज चुनाव हमारे यहाँ हमारे समझ से हमारे पंचायत को जनता को जो पहले से सरपंच साहब है उनको मैंने हर पहलू पर हमारे हिसाब से अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन और भी जो प्रत्याशी है उसके विचार में जनता खुद विचार करेगी। ठीक है, तो जैसा कि इनका कहना है कि पंचायती राज चुनाव में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बोलना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि ये घर का चुनाव होता है, इसमें सारे लोग गांव के हैं। हाँ। घर के हैं, बोल के जनता किसी एक के नज़र में अच्छा बनेगी तो दूसरे के नज़र में गलत बन सकते हैं। वो भी चीज़ किसी का पर्सनल नहीं ना है। सही बात है, मान के चलिए कि हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता का अपना चुनने का अधिकार है,
ठीक है, लेकिन अब जनता 24 तारीख को खुद बताएगी कि कौन योग्य है और कौन नहीं योग्य है। ये तो एक आदमी का मैटर नहीं है कि उसके कह देने से कोई बदल जाएगा और नहीं बदलेगा।